तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया। तो गाइस देख सकते हैं ये रहा आरएक्स, और आज का टॉपिक ये है भाई, आज हम जाएंगे इसका टायर सही कराने जो बबलिंग करता है। और मैंने देखा अभी घर पे देखा तो इस साइड से सही है, बस इस साइड से जो है इस साइड के रिम पे गलत चढ़ गया है टायर, हल्का सा अंदर की तरफ दब चुका है। तो पहुंचते हैं फटाफट टायर की दुकान पे और उसको करवाते हैं फिक्स और दिखाते हैं आपको बढ़िया तरीके से। बाकी भागने में तो भाई एक नंबर साउंड भी कड़क आ रही है, ज़्यादा दिन के बाद चलाओ तो भाई कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है और बाकी टायर का हो गया, उसके बाद जो है सर्विस का बारी आएगा। फुल सर्विस तो नहीं होएगा, हाफ सर्विस माने के जैसे कार्बोरेटर नहीं खुलेगा और इंजन ऑयल चेंज हो जाएगा, बाकी आगे पीछे वो व्हील जो हैं उनमें जो है ग्रीस वगैरह हो जाएगी, ग्रीसिंग, बाकी सब ठीक ठाक है। देखेंगे वायर वायर कोई अगर कहीं से कटा फटा होगा तो वायर चेंज कर देंगे, क्लच का और एक्सीलेटर का, ब्रेक का, सारा कुछ चेक इन करके जाना है राइड पे। बाकी व्हील की वजह से भाई इतना हिलता ना, शायद दिख रहा हो कैमरे में, ये देखो, ये देखो, इससे आप पता लगा सकते हैं कैसे हिल रहा है व्हील। ऐसा लग रहा भैया जैसे ब्रेकर पे चल रहे हो हम लोग, ऐसे 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 हिलता रहता है, बहुत ही बेकार लग। आगे से अगर ज़्यादा लोड रख दो ना हाथ से तो साला ऐसा लगता है हम पूरी बाइक ही हिल रही है बाकी आज आराम से ही लेके आया हूँ मैं घर से, इसको ज़्यादा खींचा नहीं है अभी, खींचे क्या, इस साइड का मैग्नेट साइड का जो कवर रहता है वही ढीला हो जाता है यार खींचने से। तो उसके लिए मैंने एक तरकीब सोची है, अगर वो काम कर गई तो आप लोगों को भी बताऊँगा। क्या करते हैं, ये जो स्प्लेंडर वाले आते हैं ना स्क्रू इंजन वाले, उनको जो है पहले ये वाले स्क्रू खोल के उसको चेक करेंगे, अगर वो बराबर रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर स्प्लेंडर वाले स्क्रू काटना पड़ेगा उसके हिसाब से। काटने के बाद उसको टाइट करके देखते हैं, अगर वो काम कर गए तो भाई एक नंबर चीज़ रहेगी, क्योंकि वो कभी ढीले नहीं होंगे, ढीले होंगे तो वो अच्छे से टाइट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें घूमने वाला की होता है 10 नंबर का, वो लग जाएगा अच्छे तरीके से। बाकी इधर कुछ है आज, बाकी हैंडल मुझे भी थोड़ा सा ढीला लग रहा है, क्योंकि वो जोर पड़ने पर हल्का सा हाथ में फील हो रहा है खट खट करके। बाकी आप लोग कमेंट में बताना भाई कि आवाज़ कैसी आ रही है, अगर मफलर की वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, मफलर की वीडियो आपको मिल जाएगी। हमारे ही चैनल पे नई वीडियो बना दूंगा मैं मफलर के लिए, कैसे रीबिल्ड करना है, कहाँ से काटना, कैसे क्या करना है, कहाँ से बिल्ड करना है, सारा कुछ बता दूंगा मैं, लेकिन कमेंट करोगे तब, अगर कमेंट ही नहीं करोगे तो क्या बताऊंगा मैं बाकी ये मिरर देख सकते हैं, यहाँ से भाई टूट चुका है, इस साइड का तो सही है, यहाँ से इसकी प्लास्टिक जो है निकल चुकी है नीचे से, लेकिन अभी परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, ज़्यादा हिल डुल नहीं रहा है। अगर ये लूज़ हो गया तो भाई इसको चेंज करेंगे, अभी तो ये परफेक्ट तरीके से ठीक है, हिल ना तो लूज़ हो रहा है ना ही वाइब्रेशन पर डाउन हो रहा है। बाकी भाई लोग देखते हैं, पता है क्या देखते हैं, ये मतलब इतनी छोटी बाइक पे इतना महंगा कैमरा कैसे लगाया है बंदे ने बाकी ये टैंक कैप भी चेंज करना है भाई, तो फटाफट से पहुंचते हैं टायर की शॉप पर और करवाते हैं टायर को फिक्स, क्योंकि इसी साइड से गड़बड़ है, इस साइड तो सही है, तो देखते हैं व्हील खोलना पड़ेगा या कैसे क्या होगा। तो बने रहिए वीडियो में, पहुँचते हैं फटाफट से, पहले तो उसको दिखाएंगे, अगर टायर गड़बड़ रहेगा तो बोल देगा पक्का हाँ यहाँ से गलत चढ़ा है, तो उसको दिखाएंगे पहले। हाँ तो गए हैं गाइस, दिखाते हैं, बने रहिए वीडियो में, बट ओपन है कि नहीं ओपन है, ये तो है, ओपन तो है भैया,
भाई देखो यार, टायर गलत चढ़ा गया, टायर गलत चढ़ा है ना ये, चेक करो, ऐसे ऐसे होता है। नहीं रिम सही है, टायर गलत चढ़ा है, देखो दिख नहीं रहा, देखो यहाँ कितना गैप है, ये देखो अंदर की तरफ सही। तो गाइस इसके बस के तो नहीं है, वो बोल रहा है मुझसे नहीं होगा, तो दिखाएंगे भैया आदमी लोग पता नहीं कैसे हैं यार। तो गाइस देखा आपने अभी कैसे क्या हुआ सिस्टम, अब इसको चला के देखने की बारी है, क्योंकि चला के तो भाई हमारे मैकेनिक साहब लाए थे हमने अभी नहीं चलाया, भगा के देखेंगे, अगर ये बबलिंग नहीं करता है तो ठीक है, अच्छी बात है। हट बॉडी के लग तो नहीं रहा वैसे। तो गाइस सॉल्व हो चुका है मैटर, भाई एक नंबर चिपक के चल रही है सड़क से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब उतना बबलिंग भी नहीं हो रहा है, ठीक है गाइस, एक नंबर फॉर्म किया है बंदे ने, बिना व्हील खोले ही भैया ठीक कर दिया उसने, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि व्हील खुलने के बाद भाई बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि मैकेनिक खोलता है तो अच्छे से खोलता है, अब वो पता नहीं कैसे व्हील खोलेगा, स्क्रैच वगैरह डाल देगा। चलो वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड, वीडियो अच्छी लगी तो बताना, बाकी हो चुका है टायर फिक्स अपना, ओनली 20 रुपीज़ वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड।